जो भी कठिन शब्द है मैं आज उसको बताता हूँ और आप उसको जरूर से याद रखें। और मैंने पहले बताया था अतिथि, अतिथि का जो होगा आतिथेय उल्टा, याद रखें। विलोम शब्द का मतलब होता है उल्टा, अंग्रेजी में एंटोनिम्स बोलते हैं इसको, ठीक है। फिर उता है अनुरक्ति, अनुरक्ति का जो उल्टा होगा वो होगा विरक्ति, ठीक। फिर अराग, अराग का सुराग, अल्पज्ञ का बहुज्ञ, थोड़ा जानने वाला, बहुज्ञ मतलब पूरा बहुत सारा जानने वाला, ठीक है। तो एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि जो भी वर्ड हैं उन सब का अर्थ अगर आपको आता है तो आपको हिंदी में कोई भी पीछे नहीं हो कर सकता, आप हिंदी में पूरा पूरा मार कर सकते हैं, लेकिन आपको शब्दों का अर्थ आना बहुत ही जरूरी है। दूसरा मैं आपको बता दूं, अवनी, अवनी का क्या होगा, अंबर, अंबर माने होता है आकाश, अवनी माने होता है धरती या धरती। फिर आता है आपको अनाहुत, अनाहुत का होता है आहुत, ठीक है। अध 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 का मतलब होता है अध अध एकदम अधोगति प्राप्त कर जाना, मतलब कि एकदम निम्न स्तर पे गिर जाना, ऊपर ही मतलब कि ऊपर उठ जाना, ठीक है। फिर आता है अर्जन, अर्जन का क्या होता है उल्टा वर्जन। फिर है अपेक्षा, अपेक्षा का क्या होगा उपेक्षा। अंगीकार, अंगीकार का क्या होगा अस्वीकार, ठीक है, या स्वीकार का अस्वीकार, अंगीकार मतलब कि स्वीकार करना और अस्वीकार करना। अंगीकार का अर्थ आपको पता होना चाहिए, अंगीकार का अर्थ होता है स्वीकार करना और इसका जो विलोम होगा वो क्या होगा अस्वीकार। अतिवृष्टि का क्या होगा अनावृष्टि, अतिवृष्टि मतलब कि अत्यधिक वृष्टि होना मतलब बारिश होना, अनावृष्टि मतलब कि सूखा पड़ जाना एकदम बारिश नहीं होना, इसका अर्थ आप समझ लीजिए। फिर होता है अर्थी, अर्थी का क्या होता है प्रत्यर्थी। अकाल का सुकाल, अनेक का एक, अनेक के मतलब अनेकों, एक के मतलब कि सिंगल। अर्वाचीन, अर्वाचीन मतलब कि इस समय, और प्राचीन मतलब कि ओल्ड, आप समझते हैं एंसियंट। आर्द का शुष्क, आर्द मतलब कि थोड़ा नमी लिया हुआ हो जिसको आर्द बोलते हैं, ठीक है, मॉइस्चर लिया हुआ, और शुष्क मतलब होता है सूखा। फिर आपको जो दूसरा है आपको बता दूं, आमिष, आमिष का होता है निरामिष, ठीक है। आग्रह का होता है दुराग्रह, आधुनिक का उल्टा होता है प्राचीन। फिर आगत का होता है अनागत, आश्रित का होगा निराश्रित, ठीक है। फिर आवृत का होगा अनावृत, आकुंचन का होगा प्रसारण, आकुंचन मतलब होता है सिकुड़ना और प्रसारण मतलब होता है फैलना, ठीक है। आगामी का क्या होगा विगत, आगामी मतलब आने वाला और विगत मतलब जो बीत गया। आजाद का क्या होगा गुलाम, अब ये सिंपल है आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आलोक का क्या होगा अंधकार, आलोक मतलब होता है प्रकाश और अंधकार, आलोक, आलोक मतलब नहीं होता कि आलोकमान, आलोकमान आलोकमय होना, तो उसका मतलब होता है कि प्रकाशमान होना। अब आते हैं ई और बड़ी ई पे, इति, इति का होता है अथ, इसका उसका, इच्छा का अनिच्छा सिंपल है, ईश्वर का अनिश्वर ये भी सिंपल है, ईषत का अलम, ईषत का अलम, इहलोक परलोक, इहलोक मतलब कि पृथ्वी लोक और परलोक मतलब कि स्वर्गलोक या जो भी यहाँ इससे परे है पृथ्वी से। इकट्ठा का अलग होना, ईद का मुहर्रम, ईद का उल्टा मुहर्रम, याद रखें ईद का उल्टा क्या होगा मुहर्रम। इसका क्या होगा अनीस। अब ऊ और बड़ा ऊ पे आते हैं, इसमें उद्दात, उद्दात अनुदात, ठीक है, उन्नति का अवनति, उद्घाटन का क्या होता है उल्टा समापन, उन्मिलन का क्या होगा निमिलन, उन्मिलन का क्या उल्टा होगा निमिलन, उत्तरायण का क्या होगा उल्टा दक्षिणायन, उत्थान का क्या होगा पतन, ऊऋण, ऊऋण इसे नहीं कहता कि हम अपने माता पिता के सेवा करके कभी ऊऋण नहीं हो सकते, ऊऋण या बातें बोली जाती हैं, ऊऋण मतलब कि हम उनके कर्ज को कभी चुका नहीं सकते, ठीक है, हम उनके हमेशा ऋणी रहेंगे।
ऊऋण का ऋण ये याद रखें, उदयाचल का अस्ताचल, उत्तर का दक्षिण ये आ गया, ठीक है, उत्कृष्ट का निकृष्ट, उन्मुख का विमुख, ऊर्ध्व का अधो, ऊर्ध्व मतलब ऊपर, अधो मतलब कि नीचे, ऊपर नीचे, उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण, उत्तीर्ण मतलब पास हो जाना, अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो जाना, सिंपल है, आप इसे किसका कर लेंगे, उत्साह का निरुत्साह, उपमेय का अनुपमेय, उपचार का अपचार, उपचार मतलब किसी का इलाज करना और अपचार मतलब कि बीमार कर देना, उत्कर्ष का अपकर्ष, उत्कर्ष मतलब कि ऊपर उठना, अपकर्ष मतलब कि नीचे जाना। अब आता है उद्धम, उद्धम विनय, उग्र का सौम्य, उपसर्ग का प्रत्यय, उपसर्ग का उल्टा क्या होगा, प्रत्यय, उपसर्ग मतलब कि आगे लगने वाला और प्रत्यय में क्या होता है, पीछे जो शब्द लगते हैं उसको प्रत्यय बोलते हैं, उत्सर्ग का प्रत्यय, यह शब्द इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद रखें। देखिए ऊर्ध्व, ऊर्ध्वगामी मतलब कि ऊपर जाने वाला और अधोगामी मतलब कि नीचे जाने वाला। अब ए और ए का आते हैं, ए और ए में एकल का होगा बहुल, एकता का अनेकता, ये सिंपल है। अब एड़ी का चोटी, एड़ी का जोर लगा देना, चोटी का जोर लगा देना, ठीक है, एड़ी चोटी का जोर लगा देना, लोग कहते हैं ना, तो इसका एड़ी का क्या उल्टा होगा, चोटी। एकत्र का क्या होगा, विकर्ण। ओ और औ का आते हैं, जो क्या इंपॉर्टेंट है, ओजस्वी का क्या होगा, निस्तेज, ठीक है, ओजस्वी और निस्तेज, एक औपचारिक अनौपचारिक। अब क वर्ग पे आते हैं, क वर्ग में देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क वर्ग में है क्रम, क्रम मतलब कि क्रम से एक बराबर, और व्यतिक्रम मतलब उल्टा सीधा, ठीक है, तो क्रम का क्या होगा, उल्टा व्यतिक्रम। कुटिल, कुटिल का क्या होगा, ऋजु या सरल, ये याद रखें, ऋजु, ऋजु वर्ड का मतलब होता है सरल, तो कुटिल का क्या होगा, कुटिल का होगा ऋजु, और सरल ये दोनों वर्ड होंगे, तो आप इसे, ये कठिन शब्द है, इसको जरूर याद रखें, ऋजु को। कृत्रिम का क्या होगा, प्राकृत, कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल, बना हुआ, हाथ से बनाया हुआ या मनुष्यों द्वारा बनाया हुआ, और प्राकृतिक मतलब कि प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ। क्रूर का अक्रूर, क्रोध का क्षमा, ये कर सिंपल है, कठोर कोमल, कुकृति सुकृति, कुकृति कृति करना, काम कोई काम करना, कु मतलब कि उल्ट बुरा गलत काम करना, और सुकृति मतलब जब कु लग जाए किसी वर्ड के सामने तो गलत होता है, और सु लग जाए तो इसका मतलब कि शुभ होता है, मतलब कि पॉजिटिव होता है। क्रय का विक्रय, कलुष का निष्कलुष, कड़वा का होगा मीठा, कृतज्ञ का कृतघ्न, कपूत का सपूत, कर्मण्य का अकर्मण्य, ठीक है, और करुण का निष्करुण, क्षुद्र का महत, क्षुद्र का मतलब छोटा एकदम, और महत मतलब कि महान, वह बड़ा होना। ख्यात का कुख्यात, ख्यात मतलब फेमस, और कुख्यात मतलब कि बहुत ही, मतलब कि बदनाम टाइप का। खगोल का भूगोल, ठीक है, भूगोल मतलब पृथ्वी का अगर अध्ययन किया जाता है उसको भूगोल बोलते हैं, और खगोल में अंतरिक्ष का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, भू माने पृथ्वी और ख ख माने आसमान, अंतरिक्ष, तो ये याद रखें आप, खगोल भूगोल, भूगोल। ग्रस्त का मुक्त, गोचर का अगोचर, गोचर मतलब कि जो आपके सामने दिख रहा हो, और अगोचर मतलब कि अदृश्य हो गया हो, तो शब्दों का मैं अर्थ बताते जा रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो और कोई दिक्कत ना हो आगे चल के, अगर आपको शब्दों का अर्थ आता हो तो आप कठिन से कठिन शब्द का अर्थ आ रहा है तो अपने आप सिंपल कर सकते हैं, फिर ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही रटने की जरूरत पड़ेगी। घटना का बढ़ना, ठीक है, कलंक का निष्कलंक, कसूरवार का बेकसूर, छर का अच्छर, खल का सज्जन, खल का सज्जन, ठीक है,
खल मतलब कि बुरा आदमी और सज्जन मतलब कि अच्छा आदमी, तो खल का उल्टा क्या होगा? सज्जन। गृहित मतलब कि ग्रहण किया हुआ, त्यक्त मतलब कि त्याग गया, त्याग जो छोड़ दिया गया हो। तो उसके बाद गेय का अगेय, गीला सूखा, घात का प्रतिघात, घरेलू का बनैला। अब आते हैं च वर्ग पे। क वर्ग हमने खत्म कर लिया, अब च वर्ग में देखते क्या है। चर का अचर, ठीक है, चिन्मय का जड़, चोर का साधु, फिर छली का निश्चल, ज्योतिर्मय मतलब कि प्रकाशवान, तमोमय मतलब कि अंधकार। तम माने होता है अंधेरा और ज्योति माने होता है उजाला, तो ज्योति का उल्टा क्या हो गया? अंधकार। तो आप इसे याद रखें, ज्योतिर्मय तमोमय। ज्योतिर्मय तमोमय, जागरण का निद्रा, जागृति का सुसुप्ति। जागृत मतलब कि जागृत जगा हुआ और सुसुप्ति मतलब कि सोया हुआ। जे का अजय, जे माने जीते, जीता जा सके, अजय माने जिसको आप जीत नहीं सकते। चिर का अचिर, जन्म का मृत्यु, ज्वार का उल्टा क्या होता है? भाटा। कुछ मैं कंफ्यूज हूँ, लेकिन ज्वार में शायद ऊपर जाता है और भाटा में जो पानी का जल स्तर होता है समुद्र का, वो नीचे की तरफ जाता है, घटता है। तो आप ज्वार और भाटा का याद रखें, ज्वार भाटा साथ में अगर आया हो तो समझ लें ज्वार का उल्टा क्या होगा? भाटा। जागृत का होता है सुसुप्त, ठीक है, जंगम का होता है अस्थावर। अब आते हैं त वर्ग पे। तामसिक का उल्टा क्या होगा? सात्विक। तामसिक मतलब कि जो तमोगुण से युक्त हो उसको तामसिक बोलेंगे, खास तौर से जिसको क्रोध आता हो, नॉनवेज खाने वाला व्यक्ति हो, ठीक है, जो साधु लोग होते हैं उनको बोलते हैं सात्विक, जो कि शुद्ध भोजन करता हो और जो तमो सात्विक आदमी जीवन जीता हो। तो ये आप इसका अंतर समझ लें, ठीक है। तारीफ का होता है शिकायत, तिमिर का होता है प्रकाश। तिमिर मतलब होता है अंधेरा और प्रकाश हो गया उसका उल्टा। तुच्छ का महान, तरुण, तरुण मतलब कि तरुणाई आना, मतलब कि यौवन अवस्था आना, जवान होना, और उसका उल्टा क्या होगा? वृद्ध होना। तृषा का तृप्ति, थलचर मतलब कि थल माने धरती, और चरने वाले चरण, विचरण करने वाला, और जलचर मतलब उल्टा हो गया मतलब पानी में रहने वाला। तृष्णा का वितृष्णा, तिक्त का मधुर, जिन्हें कहते हैं तीखा लग रहा है बहुत ज्यादा, मिर्च, मिर्च जैसे क्या होगा? तिक्त होगा। मधुर क्या होगा? मिठाई जो होती है वो मधुर होगी, ठीक है। तुकांत का उल्टा क्या होगा? अतुकांत। त्याजी मतलब कि त्याग दिया गया हुआ, और ग्रह मतलब उसको ग्रहण करने लायक, तो त्याग के उल्टा क्या हो गया? ग्रह। ग्रह का उल्टा हो गया त्याग। तुल का अतुल, ठीक है। थोक का हो गया फुटकर, थोक का हो गया क्या? फुटकर। ध्वंस का मतलब का उल्टा क्या हो गया? निर्माण। ध्वंस मतलब कि जिसने विध्वंस कर देना, ध्वंस करते मतलब नाश कर देना, ठीक है। मान लीजिए किसी बिल्डिंग को ध्वंस कर दिया गया, उल्टा क्या होगा? किसी बिल्डिंग को निर्माण किया जा रहा है। निषिद्ध का विहित, निर्लज का क्या होगा? सलज। निर्लज मतलब बेशरम, निर्लज जिसको लज्जा ना आए, और सलज मतलब जिसको लज्जा आए। निश्चल का होगा छली। नमक हराम का क्या होगा उल्टा? नमक हलाल। निषेध का क्या होगा? विधि। निश्चेष्ट का सचेष्ट, दीर्घकाय मतलब कि बहुत विकराल शरीर वाला, और इसका उल्टा क्या होगा? कृशकाय मतलब बहुत दुबला पतला। कृशकाय, दीर्घ का उल्टा कृश, दीर्घकाय कृशकाय, ये याद रखें, ये कठिन शब्द है। और दाता का क्या होगा? सोम, ठीक है। दाता मतलब देने वाला, दानी, और सोम मतलब होता है, जानते ही हैं आप लोग, जो बहुत सारा सोम होता है। उसके बाद है धीर, धीर का अधीर, धैर्यवान जो लोग होते हैं उनको धीर बोलते हैं, और अधैर्य मतलब कि जो धीरवान लोग नहीं होते हैं उनको अधीर बोलेंगे। निंदे मतलब का वंदे, निंदे, निंदे और वंदे ये याद रखें, जिसकी निंदा की जाए उसको निंदे बोलेंगे, और वंदे मतलब कि जिसकी वंदना की जाए उसको वंदे बोलेंगे।
निंद्र वध ये दोनों का अंतर याद रहना चाहिए आपको। नेक का होगा बध, नेकी करो, नेक नेक काम करना, बध का बध काम करना, मतलब कि नेकी का उल्टा क्या होगा, बुरा काम करने वाला या बध। निर्मल का होगा मलिन, निर्माण का ध्वंस बता दिया हूं आपको। फिर होता आया नंबर, फिर दुर्दांत, जिसे नहीं कहते कि बहुत ही दुर्दांत इलाका है वो, मतलब कि निगेटिविटी आ रही है, मतलब कि बहुत ही बुरा जगह है। और फिर कहेंगे शांत इलाका, दुर्दांत का उल्टा क्या होगा, शांत। दुर्गंध का सुगंध, धारा का गगन, धारा मतलब कि पृथ्वी और गगन माने आसमान। और निरामिस और सामिस ये जानते ही हैं। फिर नगद का उधार, नगर का ग्राम, न्यून का अधिक, देय का अधेय, दिवा का रात्रि, दिवा मतलब दिन और रात्रि मतलब रात, दिवाकर दिन करने वाले मतलब सूर्य भगवान, ठीक है, तो इसे याद रखें आप। दिवाकर। निंदा का या स्तुति, निरक्षर असाक्षर, साक्षर मतलब पढ़ा लिखा हुआ, निरक्षर मतलब कि अनपढ़ गंवार। निडर का क्या होगा, कायर उल्टा। नास्तिक का क्या होगा, आस्तिक। नेकी। अब आते हैं प वर्ग पे। प वर्ग में पठित अपठित, पढ़ा हुआ अपठित मतलब कि ना जो पढ़ा ना हुआ हो, ठीक है, जिसने तो पठित पद्यांश अपठित पद्यांश, अपठित पद्यांश आएगा मतलब कि जिसको आप पढ़ी नहीं होंगे वो वाला चीज आएंगे। परतंत्र स्वतंत्र, पाश्चात्य का पौर्वात्य, पौर्वात्य ठीक है। प्रसाद का विषाद, प्राकृतिक कृत्रिम सिंपल है। बंधन का मुक्ति, बहिरंग का अंतरंग, ठीक है। नहीं बोलते हैं कि ओपीडी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, ये मतलब कि लिखा होता है हॉस्पिटल में बहिरंग विभाग, मतलब कि जो बाहरी लोगों के लिए हो, ठीक है। अंतरंग मतलब कि जो अंदर हो, कि मतलब हॉस्पिटल के अंदर आप एडमिट हो गए तो आप अंतरंग हो गए, और जब दिखाने आएंगे बाहर पेशेंट को, आउट पेशेंट मतलब जो लोग होते हैं उनको बोलेंगे बहिरंग। भूलोक, भूलोक का द्युलोक, भोगी का योगी, ठीक है। फिर मानवी अमानवी, परुष का कोमल, परुष पुरुष नहीं, परुष, परुष का क्या होगा, कोमल, परुष होता है कठोर। परमार्थ का स्वार्थ, परमार्थ मतलब कि जो दूसरों की भलाई करे वो परमार्थी, और स्वार्थी मतलब कि जो सिर्फ अपना भला सोचे वो स्वार्थी, तो ये याद रखें। पूर्ववर्ती परवर्ती, पहले आने वाला पूर्ववर्ती, और पर माने बाद में आने वाला परवर्ती। प्रवृत्ति निवृत्ति, ठीक है, प्रवृत्ति मतलब किसी चीज में लगना और निवृत्ति मतलब किसी से हटना। बाढ़ सूखा, भ्रांत निर्भ्रांत, भेद अभेद, महात्मा का दुरात्मा। मृदुल का होगा रुच, पतन का उत्थान, पराया का होगा अपना, प्रशंसा का होगा निंदा, पुरातन का नवीन, पूर्ववत नूतनवत, ठीक है। परार्थ स्वर स्वार्थ, पुरस्कार का उल्टा तिरस्कार, ठीक है। प्राचीन का अर्वाचीन, प्रसारण का संकोचन, ठीक है। भला का बुरा, मलिन का होगा निर्मल, मृत का होगा उल्टा जीवित। मर्त्य अमर, मर्त मतलब मृत्यु लोक, और एक स्वर्ग लोक, ये भी आप याद रखिए, मृत्यु लोक का उल्टा स्वर्ग लोक। मोक्ष का होगा बंधन, ठीक है। मोक्ष नहीं आता है, मोक्ष प्राप्त कर लेना मतलब कि आप इस संसार में मोह माया से छुटकारा प्राप्त हो जाना, ठीक है, भगवान को प्राप्त हो जाना, तो मोक्ष हो गया। बंधन मतलब कि जो लोग संसार में बंधे हुए हैं मोह माया में, तो वो क्या हो गया, मोक्ष और बंधन, इसका अंतर समझ गए आप। अब आते हैं पता करना, खोज करना, ठीक है। पवित्र का अपवित्र, प्रलय का होगा सृष्टि, पालक का संहारक, पालन करने वाला और संहार करने वाला। विष्णु भगवान क्या है, पालक है, और जो शिव भगवान को क्या बोलते हैं, शंकर भगवान को संहारक, ठीक है। GOT गॉड, जनरेटर ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर, तो ब्रह्मा विष्णु महेश,
आप इसे याद रखें। प्रकट का गुप्त या प्रच्छन्न, पूर्व का उत्तर, पूर्ण का अपूर्ण, पर किया स्व किया, पर मतलब दूसरे ने किया है, स्व किया मतलब मैंने खुद किया है, प्राची प्रतीची फूट मेल, भौतिक का आध्यात्मिक, भौतिक मतलब कि सांसारिक और आध्यात्मिक मतलब कि जो कि ईश्वर से मिलाने वाला हो वो क्या होगा, आध्यात्मिक। मानक का अमानक, मुख का क्या होगा, वाचाल, मुख माने गुमा और वाचाल माने बोलने वाला। मेहनती का आलसी, मुनाफा का नुकसान। अब आते हैं य वर्ण पे, य र ल व, सिर्फ य से लेके व तक जो वह शब्द हैं। यश का अपयश, लौकिक का अलौकिक, विपत्ति का संपत्ति, विस्तार का क्या होगा, संक्षेप, वादी का क्या होगा, प्रतिवादी, ठीक है। बसंत का पतझड़, विधि का निषेध, विरह का होगा मिलन उल्टा, विष का अमृत, रूपवान का क्या उल्टा होगा, कुरूप, राम का क्या उल्टा होगा, रावण, रूपवान का उल्टा कुरूप। फिर आते हैं विरत का क्या होगा, निरत, लिप्त, किसी में लिप्त हो जाना, और निर्लिप्त होना मतलब कि लिप्त हो जाना मतलब जुड़ जाना, ठीक है, और निर्लिप्त मतलब कि उसे हट जाना। वैमनस्य का क्या होगा, सोमनस्य, नहीं बोलते हैं कि फलाने फलाने में वैमनस्यता हो गई मतलब कि उसमें आपस में दुश्मनी हो गई या मनमुटाव टाइप का हो गया, तो उसका क्या होगा, सोमनस्य मतलब कि आपस में जुड़ जाना, प्रेम भाव से रहना। विधवा का होगा सधवा। यथार्थ का क्या होगा, कल्पित, यथार्थ मतलब कि होता है रियलिटी, और कल्पित होता है मतलब जो कल्पना किया गया हो उसका कोई अस्तित्व ना हो। राग का होगा विराग। वृष्टि का होगा उल्टा, अनावृष्टि। वैतनिक का होगा अवैतनिक, ठीक है, वैतनिक मतलब कि जो सैलरीड पर्सन होते हैं उनको वैतनिक बोलते हैं, और जो जो जिसको सैलरी नहीं मिल रही है उनको क्या बोलेंगे, अवैतनिक, ऑनरेरी बोलते हैं इंग्लिश में, ऑनरेरी याद रखें। विजय का पराजय, वृहत का क्या होगा, लघु, वृहत माने विस्तार, लघु माने छोटा। योग का क्या होगा उल्टा, वियोग। लौह का सोन, लोहा सोना, लोहा सोना, लौह स्वर्ण। व्यर्थ का हो गया असार्थक, विनीत का हो गया उद्दत, विपद का क्या हो गया, शपथ, व्यय का उल्टा हो गया आय, विषाद का हो गया आह्वाद, आह्लाद, विकर्ष का क्या होगा, आकर्ष, आकर्ष मतलब कि आकर्षित होना, और विकर्ष मतलब कि उसे दूर होना, ठीक है। वियोग संयोग, विशेष का सामान्य, वक्र मतलब वक्र का, वक्र होता है टेढ़ा मेढ़ा, और ऋजु मतलब होता है सरल मतलब सीधा, यानी इसको पहले ही बताया था आपको, कुटिल का होगा ऋजु, ऋजु मतलब कि सीधे, और वक्र मतलब टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है, इसका अंतर यह होगा। विशाल काय लघु काय, विसर्जन का सर्जन। अब स श स और ह का बताऊंगा, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट है इसके बाद खत्म हो जाएगा, और मैं आपको इसका जो क्वेश्चन पूछूंगा आपको इसका आंसर देना है, और मैं इसका उत्तर ही बता दूंगा, लेकिन अब अपने टेस्ट कर सकते हैं कि आप कितना पानी में हैं और कितना आपको नॉलेज है इसका। शोषण का उल्टा क्या होगा, पोषण। शरण का उल्टा क्या होगा, अशरण। शिव का होगा अशिव। शकुन का होगा अपशकुन। शुष्क आद्र, मैंने बताया था आद्र अवर्ग में, आद्र मतलब कि थोड़ा गीलापन लिए हुए, ठीक है, शुष्क मतलब होता है सूखा। सलील जिसमें अश्लील, ठीक है, अश्लील और अश्लील, सलील, ठीक है, और हट जाएगा तो क्या होगा, सलील हो जाएगा। श्री गणेश करना मतलब शुरुआत करना, इति मतलब कि अंत करना, आखिरी। श्रद्धा का अश्रद्धा, खंड का क्या होगा, मर्द। सक्षम का अक्षम, अस्पृश्य का क्या होगा, अस्पृश्य। साकार का होगा निराकार। सूकर का क्या होगा, दुष्कर। सूकर मतलब कि आसानी से किया जाए, दुष्कर मतलब कि दूर लग गया, दुष्कर मतलब कि कठिनता से। सजल का क्या हो जाएगा, निर्जल। सदय का क्या होगा, निर्दय। सुकृति का उल्टा कुकृति।
स्वाधीनता, पराधीनता, सापेक्ष का उल्टा, सापेक्ष का निरपेक्ष, संश्लिष्ट विश्लिष्ट, सुभग का होगा दुभग, सत्कार का क्या उल्टा होगा तिरस्कार, सुलील का उल्टा क्या होगा दुश्लील, शीत का उल्टा क्या होगा उष्ण, गर्मी सर्दी, ठीक है, शयन जागरण, शयन का उल्टा शयन सोना, जागरण मतलब जाग जाना, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, शुक्ल कृष्ण, शुक्ल में उजाला होता है, कृष्ण पक्ष में अंधेरा होता है, ठीक है। अब आते हैं सूची असूची, श्रृंखला विश्रृंखला, स्वजाति विजाति, अपने जाति में शादी करना स्वजाति, किसी दूसरे की जाति में शादी करना विजाति, ठीक है। व्याप फिर इसके बाद इंटरकास्ट मैरिज जिसे बोलते हैं विजाति, सन्यासी गृहस्थ, सुनाम दुर्नाम, स्वर्ग नरक, सबल निर्बल, स्वकीया परकीया, हर्ष शोक या विषाद, सर्द गर्म, संगठन विघटन, संगठन में एक जगह आना, विघटन में सब कुछ अलग अलग होना, ससीम असीम, ससीम मतलब कि जिसकी सीमा के अंदर हो, असीम मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो, सुराज दुराज, संयोग वियोग, समष्टि व्यष्टि, हार्ष रुदन, हार का उल्टा जीत। अब मैं आपसे पूछूंगा, वह जिसमें पूछा गया है बहुत सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, करीब 50-60 प्रश्न हैं, आप इसके उत्तर भी एक बार याद कर लें। आलोक का विलोम शब्द क्या होगा, आलोक का अंधकार, आलोक मतलब कि उजाला, ज्येष्ठ का उल्टा क्या होगा कनिष्ठ, स्थावर का जंगम, गमन का उल्टा क्या होगा, गमन मतलब का आगमन, मौन का उल्टा क्या होगा मौन, मुखर, ठीक है, विस्तार का उल्टा क्या होगा लघु, मौखिक का उल्टा क्या होगा लिखित, अनाथ का क्या उल्टा होगा सनाथ, अल्पज्ञ का क्या उल्टा होगा सर्वज्ञ, अर्थ का उल्टा क्या होगा इति, भूषण का उल्टा क्या होगा दूषण, अवनी का उल्टा, अवनी मतलब कि जमीन धरती माता, अंबर मतलब आकाश, मृदुल का उल्टा क्या होगा रुच, ऋणात्मक का धनात्मक, चिरंतन का उल्टा क्या होगा जो हमेशा है नश्वर, स्वकीया परकीया, श्री गणेश का क्या होगा इति श्री, उपमान का क्या उल्टा होगा उपमेय, मंद का उल्टा क्या होगा सुस्त, मंद एक ही होता है उसका क्या होगा शीघ्र, अधुनातन का उल्टा क्या होगा पुरातन। तो मुझे लगा 30 मिनट हुआ है, हमें लगता आधे घंटे में हमने सारा आज का खत्म कर लिया विलोम शब्द। इसके बाद मैं आपको बता दूंगा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसमें छोटा सा बचा है आपको, नीरस का क्या होगा रसीला, धनवान का क्या उल्टा होगा अकिंचन, आपका मुख का हो गया वाचाल, सब आपको आ जाएगा, ये सारे किसी बीएड में अनुवादक परीक्षा या रेलवे के एग्जामों में, मध्य प्रदेश के एग्जाम में, टीटी में, ये सारे पूछे जा चुके हैं, तो ये सारे आपको बहुत ही फायदे के हैं, तो आप इसे जरूर याद रखें। इसीलिए मैंने, क्योंकि मैं लिख के अगर बताऊंगा तो बहुत सारा टाइम बर्बाद होगा लिखने में, फिर मैं आपको बताऊंगा पढ़ाऊंगा, तो आप अगर ध्यान से आप सुनते हैं तो आपको 15-20 मिनट लगेगा, आपको सारा आपको ज्ञान हो जाएगा कि विलोम शब्द में जो कठिन शब्द हैं आपको रिवीजन हो जाएगा, और आपके जो आर्य और आपके जो हिंदी के सब्जेक्ट हैं या इसमें जो टॉपिक हैं मैं सारे कवर कर दूंगा जल्दी जल्दी। मेरा टारगेट है कि इन 10 दिनों में मैं आपको हिंदी ख़त्म कर दूँ, और उसके बाद जो सब्जेक्ट बचे हैं इम्पॉर्टेंट जनरल नॉलेज के सारे, और मैं उसको रटा दूंगा आप लोगों को। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग यूपी, खासतौर से बीएड जो का बीडीओ का एग्ज़ाम है, पुलिस का एग्ज़ाम है या हाई कोर्ट का एग्ज़ाम है, इसके लिए आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये सारा सब्जेक्ट तो कंप्लीट हो गया विलोम शब्द, अब मुझे नहीं लगता कि विलोम शब्द के लिए और भी कुछ आपको पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, अगर आपको इसमें कोई गलती लिखे, कोई सुझाव हो
तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, आपका एग्ज़ाम अच्छा हो और आप लोग भी अच्छे अधिकारी बने, यही आपसे उम्मीद है। तो मेरे चैनल पर जरूर देखते रहें और जो गलती मैंने की वो आप गलती ना करें, अच्छे से पढ़ाई करें। मैंने बहुत सारी एग्ज़ाम तैयारी की थी, बहुत अच्छा कंपटीशन निकाला, रिटेन निकाला, इंटरव्यू भी मैं कहीं रुक गया तो कभी कुछ हो गया, उसी बीच में मैंने कुछ और पढ़ाई कर ली प्रोफेशनल, और फिर मैं प्रोफेशनल जॉब करने लगा। लेकिन अब फिर मेरा मन है, मैंने तैयारी करना शुरू कर दिया हूँ। करीब 7-8 साल मैंने तैयारी की थी और अब मैं PCS की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप जो लोग छोटे या इस तरह के एग्ज़ामों की तैयारी कर रहे हैं, मैं इनको सारी चीज़ें क्लियर कट बता दूँ और उनके एग्ज़ाम के लिए, ताकि उनको असफलता पाने में आसानी हो सके। तो यही आपसे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से तैयारी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी इस मदद की ज़रूरत पड़े तो आप मुझे बेशक अब कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं तुरंत जवाब दूंगा। कुछ दिन अब मैं कुछ जैसे जैसे आप लोग हमसे जुड़ेंगे तो उसी से हम व्हाट्सएप ग्रुप या आपको टेलीग्राम के थ्रू आपको सारी चीज़ें मुहैया करा दूंगा, सारे अपडेट आपको देता रहूँगा। तो मेरे चैनल पर जरूर बने रहें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।